गठबंधन में जिन लोकसभाओं उन लोकसभा और उन जिलों के सभी हमारे जिलाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष और जो चुनाव लड़े थे वो साथी बैठे। ये पहली बैठक लखनऊ में हुई है, इसलिए बैठक कर रहे हैं जिससे कि हमारा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, संगठन और कार्यकर्ताओं का आपस में तालमेल कैसे बने, दोनों मिलकर के कैसे काम करें, दोनों मिलकर के जो भी प्रत्याशी आएंगे उनका सहयोग जमीनी स्तर पर करेंगे, इसलिए बैठक हुई है। और उसमें किस किस को कैसी जिम्मेदारी दी है बहुत जल्दी हम लोग दोनों दल मिलकर के तय कर लेंगे। उनके नेताओं का धन्यवाद और बधाई देता हूं कि हमारी पार्टी के कार्यालय में आकर के हमारे संगठन के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और हमारी पार्टी के एक जिम्मेदार नेता कम समय में वो वीडियो गाना बना देते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि उन्होंने एक गठबंधन का गाना बनाया है, उसको प्रेस के सामने और प्रेस को दिखा दें। सम्मान तुम्ही हो, अब धर्म युद्ध को लड़ना है तो दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, करो इस देश की खातिर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई अखिलेश जी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने बुलाकर अपने कार्यालय में हम सब का सम्मान और आपस से अपने बड़ी बड़ी जन से यहाँ पर एक दूसरे से मिलवाया, एक दूसरे से हम सबके यहाँ पर आपस में एक दूसरे से बातें आदान प्रदान हुई। मेरे साथ हमारे विधानमंडल के नेता आराधना मिश्रा मोना जी हैं, समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं यहाँ पर, सभी पार्टी के नेता पर। निश्चित तौर से हमारे बहुत सी बातें सुना मुझे, हम सब लोग मिलकर ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी को कि हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। इसके लिए दिन रात हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हम दिन रात मेहनत करेंगे और जिन साथियों ने भी कुछ बात बोली आप चिंता न करिए, आप जितनी ताकत से हमारे साथ खड़े रहेंगे हम उससे पीछे नहीं रहेंगे, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। और अब जो चीजें अभी सामने आ रही हैं, मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ और ये निश्चित तौर से जैसे अभी आपने राजनीतिक बेटी की बात बोली पहले भी तय कर दिया, पहले प्रस्ताव हमारे तरफ से चले गए हैं। अनंत कुमार उन्होंने कहा कि आईडी पीछे रख दो, नीचे रख दो, रख दो भूल लग रहा है, सब लोग नीचे रख दो भाई, नीचे रख दो, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तय किया, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया और आप देखना सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। तो सबसे पहले गठबंधन किया, सबसे पहले सीटों का बंटवारा किया, सबसे पहले पार्टी कैंपेन फॉर्म रिलीज किया, तो आप पहली सूचना भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीट की जीत का आपको सुनने को मिलेगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, कल भी आपने भाषण सुना होगा, जो एयरपोर्ट
रनवे का उद्घाटन हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, नेताजी के समय पर बना, उसका एक्सपेंशन समाजवादी पिछली सरकार में हुआ, चाहे वो आजमगढ़ हो, चित्रकूट हो, मुरादाबाद हो या लखनऊ का जो टर्मिनल बना है, जिस समय समाजवादी सरकार थी लैब एंड एक्यूशन से लेकर के सब काम उस समय हुए थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपको वो काम सब दिखाई दे रहे हैं। ये जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सबसे ज्यादा झूठ है। सबका साथ कहाँ दिखाई दे रहा है, सबका साथ कहाँ दिखाई दे रहा है, सबका विकास कहाँ दिखाई दे रहा है, सबका विश्वास कहाँ है, इससे ज्यादा झूठा नारा और क्या हो सकता है। इसीलिए ये चुनाव संविधान बचाने का है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया उसको बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो समाजवादी सपना देखा उसको बचाने का है, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया किसान गरीब अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों का, उनका हक और सम्मान बचाने का चुनाव। सर आपने इसलिए एक तरफ जनता खड़ी होगी और दूसरी तरफ थोड़े से भाजपा ही खड़े दिखाई देंगे। आपने जो तीन प्रत्याशी घोषित किए हैं, भाजपा का कहना है कि असली पीडीए उनके पास है जो पास करनी है, उन्होंने घोषित किया। कम से कम पीडीए तो आ गए, पीडीए तो उनके मुंह से निकलने लगा, कम से कम पीडीए तो मुंह से निकलने लगा। और जो बीजेपी में है वो नकली पीडीए है,